स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम है अतुल अग्रवाल। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और 7 राज्यों में फैले CA ऑर्गेनाइजेशन के उपाध्यक्ष हैं और न जाने कितने महत्वपूर्ण पदों पर विराजमान हैं। अग्रवाल साहब से जानना चाहेंगे कि वे इस वक्त क्या कर रहे हैं और CA फ्रटर्निटी के लिए उनकी अपनी तरफ से क्या योगदान रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार सर। अग्रवाल साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप इतने महत्वपूर्ण पदों पर हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन और चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो प्रोफेशन है उसके लिए जो है आप अपने स्तर पर इस प्रोफेशन में लोग और बढ़ चल कर आगे आएँ और इनकी सुरक्षा भी हो, इनके जो है आत्मसम्मान की पूरी तरह से रक्षा हो और किस तरह से जो है इस फ्रटर्निटी को जो है आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए आप क्या करें। देखिए, हमारा जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, इसके मैं मध्य भारत क्षेत्रीय परिषद में उपाध्यक्ष हूँ और उपाध्यक्ष की हैसियत से हमने विभिन्न राज्यों में अपने नए मेंबर्स के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर किया है और अभी हमें इसी कड़ी में केंद्रीय विद्यालय संगठन के साथ सहयोग, केंद्रीय विद्यालय संगठन से हमें इसमें सहयोग मिला है और उन्होंने हमें यंग मेंबर्स के लिए, जो मेंबर अभी प्रैक्टिस में आए हैं जिनको अभी 5 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं, उनके लिए उन्होंने हमको असाइनमेंट बेसिस पर काम दिया है। और जिसमें सबसे बड़ी बात यह है, जो एक सबसे बड़ी समस्या हुआ करती थी कि मेंबर्स जब टेंडर डालते थे तो उसमें फीस बड़ी मिनिमम फीस डाला करते थे, उसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से हमको एक आश्वासन मिला है कि कोई भी फीस अगर उस स्टेट में स्किल्ड वर्कर के लिए जो भी मिनिमम वेजेस एप्लीकेबल है उससे कम की अगर बिड होगी वो बिड रिजेक्ट हो जाएगी, जो एक अपने यंग मेंबर्स के लिए बहुत सराहनीय काम हो सकता है। इसमें लगभग 1400 केंद्रीय विद्यालय स्कूल हैं और अगर ये 70 स्कूलों का जो पायलट प्रोजेक्ट अभी नए मेंबर को दिया जा रहा है, अगर इसको उन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया तो 1400 नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ये सुविधाएं उपलब्ध होंगी और 7 राज्यों के 1400 नए चार्टर्ड अकाउंटेंट इस काम में अपना योगदान कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो है भविष्य अब और उज्ज्वल होने वाला है। डेफिनेटली सर, आने वाले समय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए बहुत उज्ज्वल समय है। इसमें हमें थोड़ा सा जो हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है उससे हट करके चलना पड़ेगा। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए आ रही हैं, हमको अपने आप को कंप्लाइंस से हटा करके एडवाइजरी में लाना पड़ेगा। बहुत सारी योजनाएं हैं जो सरकार की, भारत सरकार की, राज्य सरकार की चल रही हैं, जिन पर अगर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपने व्यापारियों को, अपने क्लाइंट्स को सही तरीके से सही समय पर उनको अगर एडवाइज़ करें तो मैं समझता हूँ इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि उनको हम शायद अपने जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उससे कहीं ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की आवश्यकता पड़े। इसमें एक चीज़ जो समझने वाली है, जितना भी हमारा व्यापारी वर्ग है, हमारे व्यापारी वर्ग को ये समझना पड़ेगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के सहयोग से उनका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की ही करता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट उनकी ग्रोथ में भागीदार है। चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ अगर वो हैं तो वो हमेशा इतना ग्रो करेंगे कि शायद वो बिना चार्टर्ड अकाउंटेंट के ग्रो ना कर पाए। सर, एक सवाल और कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा वर्कलोड भी बढ़ा है जब से GST का जो है नया कानून आया है। आए दिन नए नए अमेंडमेंट होते रहते हैं, ऐसे में चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने व्यापारी समूह के क्लाइंट्स को संतुष्ट करने में उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इस पर क्या कहें। देखिए, अब जो समय है हमें अपने आप को रियल टाइम अपडेट्स रखना पड़ेगा। मैं हर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। मैं अगर GST का काम कर रहा हूँ तो मुझे अपनी नॉलेज GST में डेली अपडेट करनी पड़ेगी, हर मिनट अपडेट करनी पड़ेगी। अगर मैं ये सोचूं कि मैं GST के साथ कंपनी लॉबी कर लूँगा, मैं इनकम टैक्स भी कर लूँगा, मैं और बाकी के काम भी कर लूँगा तो शायद मैं अपने काम के साथ न्याय ना कर पाऊँ। उसके लिए ज़रूरी है मेरे को एक्सपर्टीज डेवलप करना, मेरे को उसी क्षेत्र में जाना जिस क्षेत्र में मेरा इंटरेस्ट है। उसके साथ साथ मुझे एक नेटवर्किंग की आवश्यकता है कि मुझे अपने साथ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसा भी साथ में रखना है जो इनकम टैक्स डील करता है, एक CA ऐसा भी रखना होगा जो कंपनी लॉ में डील करता है। और अगर मैं इस नेटवर्किंग के साथ चलूं तो शायद मैं अपने साथ और 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट को लगा सकता हूं और मेरे एक क्लाइंट के साथ मेरे 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई काम करेंगे तो मेरे क्लाइंट को सुविधा होगी, सारी व्यवस्था एक ही जगह उनको मिलेगी,
सारी जो जानकारी है उनको एक ही जगह मिलेगी, उसमें किसी तरीके की समस्या नहीं है। अच्छा, आपने कहा कि अपडेट अपने आप को रखना, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो अमेंडमेंट हो रहे हैं उस हिसाब से जब तक के चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने आप को अपडेट नहीं रखेंगे वो अच्छी सर्विस भी नहीं दे पाएंगे। मेरा एक सवाल ये है कि इतने ज़्यादा अमेंडमेंट जो है इस GST कानून में हुए हैं, इसको आप किस नज़रिए से देखें? देखिए, GST की अगर हम उम्र देखें तो GST की उम्र अब लगभग 5 वर्ष होने जा रही है। जब कोई नया कानून बनता है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव की ज़रूरत होती है। जैसे जैसे हम उपयोग में उन कानून को उपयोग में लाते हैं, उसमें उसके बाद हमको पता लगता है कि इस कानून में क्या कमियां हैं, क्या भ्रांतियां हैं। उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए डेफिनेटली अमेंडमेंट लाने की आवश्यकता पड़ती है। GST काउंसिल समय समय पर जिस तरीके की समस्याएं व्यापारी या चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स प्रोफेशनल फेस कर रहे हैं, उन समस्याओं का निराकरण करके वो अमेंडमेंट लेकर के आ रही है। तो मैं समझता हूँ ये अगले 2-3 साल और इस तरीके की प्रक्रिया रहेगी। जब एक बार मेरा कानून स्टेबल हो जाएगा उसके बाद शायद इस तरीके की प्रक्रिया से हमें ना गुजरना पड़े। अगर हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 की बात करें तो उस कानून को भी एस्टैब्लिश होने में समय लगा, और जब वो कानून एस्टैब्लिश हो गया उसके बाद उसमें इतने अमेंडमेंट्स नहीं आते हैं। मैं समझता हूँ GST में भी इसको एस्टैब्लिश होने में जो समय लग रहा है वही लग रहा है। अगले 3 या 4 वर्ष के बाद मुझे नहीं लगता कि इतने अमेंडमेंट्स आएंगे। अच्छा, चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग जो हैं जिस तरीके से जो है पूरी तन्मयता के साथ जो है इंडस्ट्री और व्यापारियों को जो है सपोर्ट करते हैं, इधर के दौर में जो है कुछ परेशानियां जो हैं उद्योगपतियों को और व्यापारियों को चार्टर्ड अकाउंटेंट से ना कहें तो अकाउंटेंसी में जो है उनको खासी परेशानी हुई, मेरी व्यापारियों से जो बात हुई है उसको किस नज़रिए? देखिए, मेरा इसमें मानना ये है कि आज से पहले हम रियल टाइम अकाउंटिंग में विश्वास नहीं करते थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें व्यापारियों की कोई कमी है, हाँ मैं इतना जरूर कहूँगा कि इसमें कहीं ना कहीं अज्ञानतावश या आलस्यवश हमने अकाउंट को जो बही खाता है उसको कभी तरजीह नहीं दी, व्यापारी ने उसको कभी तरजीह नहीं दी। व्यापारी ने साल के अंत में एक अकाउंटेंट को बुलाया और अपनी एंट्री पूरी कराने की कोशिश करी। उस साल के अंत में जब आप एंट्री कराने की कोशिश करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कमियाँ और भूल रह जाती हैं। उन भूलों को अगर सुधारने की आप कोशिश करेंगे तो उसमें आपको इनकम टैक्स में भी पेनल्टी देनी पड़ती है, GST में भी पेनल्टी। रियल टाइम अकाउंटिंग पर आए, डेली के वाउचर पंच करें, डेली अगर वो रियल टाइम अकाउंटिंग पर आ जाएंगे तो इस तरीके की समस्याओं से उन्हें रूबरू नहीं होना पड़ेगा। आपको एक बात याद दिला दूँ, अप्रैल 2022 से भारत सरकार का एक प्रावधान एप्लीकेबल होने जा रहा है जिसमें ऑडिट ट्रेल मेंटेन होगी। यानी कि अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट रियल टाइम में मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो आपका सॉफ्टवेयर बता देगा कि आपने पूरे साल की अकाउंटिंग मार्च 2023 में जा करके करी है। तो वो जो ऑडिट ट्रेल जो डेवलप होने जा रही है वो अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बड़ा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, और इसके लिए मेरे जितने व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनको अकाउंटिंग डेली बेसिस पर कराने की आदत आज से डालनी पड़ेगी। अगर वो आज से डेली अकाउंटिंग कराने की आदत डाल लेंगे तो किसी भी तरीके का व्यवधान, किसी भी तरीके की पेनल्टी, किसी भी तरीके का नुकसान व्यापारी वर्ग को नहीं होगा। अच्छा सर, एक राजनीतिक सवाल जी, आपकी फ्रेटर्निटी के ध्रुव अग्रवाल साहब जो है नोएडा से चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बसपा, सपा ये भी मैदान में है, लिबरल पार्टी ने ध्रुव अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया है, इस पर आप कुछ टिप्पणी? देखिए, ध्रुव अग्रवाल जी मेरे बड़े भाई हैं और मेरे से पहले उन्होंने क्षेत्रीय परिषद को एज ए चेयरमैन उन्होंने क्षेत्रीय परिषद को चलाया है। तो मेरी प्राथमिकता तो डेफिनेटली ध्रुव अग्रवाल जी ही रहने वाले हैं, और मैं समझता हूँ कि यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्ग में ध्रुव अग्रवाल जी की जो पकड़ है और जो उनका सहयोग है वो इतना रहा है कि ध्रुव अग्रवाल जी के अलावा किसी और के बारे में हम सोच ही नहीं सकते। धन्यवाद।